अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज जो मैं न्यूज लेकर आई हूँ ना, बहुत इतना भड़कता। जी हाँ, आज का जो न्यूज है ना, वो है हमारे योग गुरु रामदेव बाबा जी का। बाबा जी ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया है ऐसे ऐसे करते करते। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि औरतें जो हैं वो बिना कपड़ों के ही अच्छी लगती हैं। जी हाँ, तो चलिए बाबा जी के पूरे बयान पर जो है नजर डालते हैं, क्योंकि ये तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा बताया था उनके बयान का। तो आपको मैं उनका जो है पूरा लाइन सुनाती हूँ ना, वर्ड बाय वर्ड, है ना। तो सुनिए, बाबा जी ने कहा कि औरतें जो है साड़ियों में अच्छी लगती हैं, सलवार सूट में अच्छी लगती हैं, और मेरे विचार से बिना कपड़े पहने भी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी। ठीक। और हाँ, साथ में ये भी बताती चलूं कि ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा, स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ सबूत के लिए, अंधभक्तों, स्पेशल क्लासेस वालों, ये आपके लिए है स्क्रीनशॉट। हाँ, ये पेपर में छपा है, न्यूज पेपर में, ठीक ना। तो ये मेरा कोई मनगढ़ंत का जो है वो कहानी नहीं, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दूं कि बाबा जी, अरे वही हमारे रामदेव बाबा जी, योग गुरु रामदेव बाबा जी, जब अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे तो उस वक्त वो मंच पर अकेले नहीं थे, उनके साथ कई बड़ी बड़ी हस्तियां जो थी वो मंच शेयर कर रही थी। और उनके साथ उस वक्त जो थी उनके साथ बाला साहब वंची, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की बीवी यानी कि पत्नी अमृता फडणवीस और दूसरी जानी मानी हस्तियां भी शामिल थी। तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने बाबा जी जो है इस तरह का बयान दे गए और किसी को कोई तकलीफ भी नहीं पहुंची। अजीब बात है, किसी ने एक ट्वीट नहीं किया। वैसे मैं बता दूं कि बाबा जी के इस बयान पर बड़ी भगदड़ मची है, बहुत ज्यादा कोहराम हुआ है, औरतों ने जो है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन ये उतना जो है जैसे आफ्ताब वाला मामला चीख चीख कर गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाया जा रहा है, लेकिन ये मामला उतना ज्यादा जो है कोई इज्जत वगैरह में, किसी के जो है आबरू वगैरह में ठेस नहीं पहुंची, ठीक ना। आपको बता दूं कि बाबा जी महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपनी ये जो है क्या बोलूं, अकवाल-ए-ज़री पेश की बाबा जी ने। जी हाँ, और चूंकि ये बैठक प्रशासन शिविर के फौरन बाद ही शुरू हुई थी, इसलिए कई महिलाओं को अपने कपड़े चेंज करने का मौका नहीं मिल पाया था। तभी बाबा जी ने जो है अपने सुनहरे अल्फाज से, तो बाबा जी ने कहा, योग गुरु रामदेव बाबा जी ने कहा कि औरतों को अगर घर जाकर अपने कपड़े बदलने का समय नहीं है तो उसके कोई समस्या नहीं है, वो उसे घर जाकर भी बदल सकती हैं। और उसके बाद ही उन्होंने जो है ये विवादित बयान अपना दिया। सबके चेहरे पर मैं देखना चाहता हूं, आप हैं बहुत खुश, खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी, वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छा लगता है। हम तो लोग लज्जा के लिए पहन लेते हैं, बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले, हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे, ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई है। खैर, तो अंधभक्तों और स्पेशल क्लासेस वालों से मेरी बहुत ही विनम्र क्या क्या जोक सपाट, तो स्पेशल क्लासेस वालों और अंधभक्तों से मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र अपील है, गुजारिश है ना, कि अपने माता बहन बुआ बेटी ताई चाची मामी जितने भी जो हैं फीमेल रिश्तेदार जितने भी है ना, जरा ध्यान रखो, ध्यान। कहीं बाबा जी ना करते करते, समझ रहे हो, हाँ, तो जरा ध्यान रखो, क्योंकि बाबा जी के विचार में जो है बिना कुछ पहने भी औरतें अच्छी लगती हैं। जरा ध्यान रखो। और ये भी तो पता है ना तुम लोगों को कि जो है हमारे देश में रेपिस्ट को जो है वो टैग किसका मिलता है, और तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देश में रेपिस्ट को जो है संस्कारी का टैग दिया जाता है, मालाएं पहनाई जाती, मिठाइयां खिलाई जाती, उनसे आशीर्वाद भी लिए जाते हैं। तो जरा ध्यान रखो, कहीं बाबा जी जो है ना करके कुछ हादसा ना पेश हो जाए तुम्हारी माँ बहनों बेटियों बुआ चाची मामी के साथ। तो मेरा काम है तुम लोगों को आगाह करना, जरा ध्यान रखो, क्योंकि बाबा जी को ना बिना कपड़े वाली और हद होती है, हद, शर्म करो जरा।
अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि रामदेव बाबा रामलीला मैदान से, अरे वही योग गुरु रामदेव बाबा, हाँ रामलीला मैदान से महिलाओं के कपड़े पहनकर क्यों भागे थे, क्योंकि उन्हें साड़ियां और सलवार बहुत पसंद है, बहुत। एक बात और बता दूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ स्क्रीन पर देखो लगाया है, बोलता हिंदुस्तान की रिपोर्ट, और ये बोला, ये जो अल्फाज हैं वो हैं महुआ मित्रा के, मेरे नहीं, रिपोर्ट बता रही हूँ, पढ़कर सुना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना स्पेशल क्लासेस वाले पढ़ना नहीं जानते, वो सिर्फ मुझे सुनते हैं और फिर अपना गोबर गलाजत ऐसे उगलते हैं कि एक ढंग से कमेंट भी लिखना नहीं आता। मेरे ऊपर कुछ मत बोलना, इसलिए तो मैं बार बार जो है ना स्क्रीनशॉट लगाती हूँ। मैंने नहीं बोला, जो बोला महुआ मित्रा ने बोला, जाकर वही जवाब देना ट्विटर हैंडल पे, देख लेना ठीक। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने की जरूरत है, इन लोगों की दो कौड़ी की औकात दिखानी ज्यादा जरूरत है ना बाबा, चूल्हा पहने हुए हैं भगवा, हाँ, और इस तरह की इनकी हरकत है, तो शेयर कीजिएगा, जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, है ना, और इन लोगों की औकात दो कौड़ी वाली दिखाने की भी ज्यादा जरूरत है, ठीक ना। तो बस वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट अपना इजहार ख्याल कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, जय हिंद, अल्लाह हाफिज। और हाँ, स्पेशल क्लासेस वालों के लिए एक छोटा सा नोट के साथ ये वीडियो खत्म कर रही हूँ, ख्याल रखिए अपने घर की महिलाओं के लिए, क्योंकि आपके घर की महिलाएं बहुत जाती हैं ऐसे सम्मेलन वगैरह में, जी हाँ, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।